सर, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर? We are very elegant suites in our hotel. वो सब आप ही के लिए है सर. सर, सॉरी सर. नो नो नो, आई एम सॉरी सर. गलती हमारी है जो हमने आप जैसे निकम्मे कामचोर और आलसी आदमी को नौकरी पर रखा है. जस्ट गेट बैक टू योर वर्क नाउ, इडियट. यस सर. Your order, ma'am. आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रखो इसे और जाओ यहाँ से. Yes, ma'am. Waiter. Yes, ma'am. इधर आओ. ये क्या है? Your order, ma'am. मैंने तुम्हें चीज के लिए मना किया था ना, इसमें चीज क्यों डाला? मैम, आपने ऑर्डर ही चीज बिरयानी की थी तो चीज तो आएगा ना. अगर आपको चीज नहीं चाहिए तो सिंपल बिरयानी ऑर्डर करनी चाहिए थी. अब तुम सिखाओगे मुझे कि मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं नहीं मैम, मैं तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था. मैं तो बस. बकवास मत करो, लेके जाओ इसको और दूसरा लेकर आओ. यस मैम. साली दो कौड़ी की खिलाई से बिरयानी, खुद दूसरों के पैसे पे खाना खाने आती है और मुझे सुना रही है. क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? अबे साली, चीज बिरयानी चाहिए, उसमें चीज नहीं चाहिए. अरे यार कुछ नहीं होता, भूल जा भूल जा. वेटर. यस मैम. सी, वेयर इज माय स्पून? मैम मैं अभी अभी लेके आता हूँ. अरे यार तूने उस टेबल पे स्पून नहीं रखा. कहाँ पर? अरे वो टेबल नंबर 11. अबे उसकी आदत है चम्मच चुराने की, चल दे क्या पहले उसे. मैम, यो स्पून मैम. अब दिखाता हूं, देख अब ध्यान से देख उसे. अरे अरे ये तो चोरी है. साले धीरे बोल. अरे हमें मैनेजर को बताना चाहिए यार. अरे उसे पता है यार पहले से. वो कुछ करता क्यों नहीं है? अरे यार वो बहुत पुरानी कस्टमर है यहाँ की, उसे आदत है चम्मच चुराने की. यार वो चम्मच उतने की नहीं है जितने की बिल पे करती है. छोड़ना यार तुझे क्या. बेबी बेबी, I can't believe this. Baby, get up. Get up, come on. Come on, get up. Get up. Get up. Oh, come on. Alicia. Are you okay? I'm very okay. तुम बताओ कैसी हो? You are fully drunk. अरे तुम तीन घंटे लगाओगे रेडी होने में तो मैं क्या करूंगा? दारू पियूंगा. तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है. ज्यादा? अरे तीन चार बाटली तो पिए और वो भी छोटी छोटी. इतनी छोटी कि तुमसे संभाला भी नहीं जा रहा है.
बहस मत करो, ओके? डोंट आर्ग्यू विद मी. आई हेट दोज पीपल हु ट्राइंग टू टेल मी ट्रूथ. आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दूसरा पिलो देती हूँ. Come on. ये क्या कर रही हो? ये पिलो लो. Okay. Thank you, sweetheart. अगले 2 मिनट में मैं तुम्हारी बाहों में हूँगा. Damn it. आयुष, आई एम सॉरी सर. तुमने अपनी हालत देखी है? तुमने कल भी एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाई थी ना? जी सर. क्यों करते हो इतना काम? सर, उन्हें मुझे काम देने की आदत है और मुझे हाँ बोलने की. और वैसे भी इसके अलावा है क्या मेरे पास करने को, तो काम ही कर लेता हूँ. इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है. तुमको जो करना है काम करो, पर इतना ध्यान में रखो कि आइंदा इस काउंटर पर तुम सोते हुए नजर नहीं आओगे. जी सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा दोबारा. That's right. Okay, मैं चलता हूँ. जी सर. और तुम बार क्लोज कर दोगे ना? यस सर. ओके, ऐसा करो, तुम लाइट बंद करोगे ना तो ही ये आदमी जाएगा. जी सर. एक्सक्यूज मी, वन लार्ज स्कॉच प्लीज. यस सर. ये तुमने अच्छा किया, लाइट्स ऑफ कर दी. अंधेरे में पीने का मजा ही कुछ और है. यस सर. या एक बैग बनाओ. जी सर. सिट डाउन. सर, मुझे बार काउंटर छोड़ने की परमिशन नहीं है. रियली? यस सर. मैं बार काउंटर सिर्फ ड्रिंक सर्व करने के लिए छोड़ सकता हूँ, या फिर होटल में आग लग जाए तब. आई सेट सिट डाउन. सिट डाउन. यस सर. बैठो. सर, है वे सिगार? इस सिगार की पत्तियां कोकोआ फील्ड में उगाई जाती हैं और इसे रात के 2 से 4 के बीच में काटा जाता है. इसके बाद इसकी मैच्योरिटी के लिए इसको 9 महीने तक ओक वुड से बने ड्रम में रखा जाता है. यू नो एबिट. लो यार, इसकी वजह से इसकी खुशबू अलग है. खुशबू आ रही है ना? यस सर. और एक खास बात और, ये सिगार क्यूबा से मेरे प्राइवेट जेट में आता है और इसकी कीमत है 35,000 रुपीज. क्यों, क्या हुआ? नहीं पी सकते क्या? पहले पियो.
गुड इवनिंग. आई एम सॉरी, मैं ऐसे सोता नहीं हूं, पहली बार ऐसा हुआ है. हे दैट्स फाइन, व्हाई आर यू सो फॉर्मल? होता है. यू लुकिंग सो टायर्ड, शुड आई ऑर्डर समथिंग फॉर यू? वेटर, वेटर, यहां पे कोई वेटर क्यों नहीं है? मैं हूं ना. तुम? लेकिन तुम तो गेस्ट हो ना. मैं? तुम और मैं भी तो हूं. हाँ? तुम्हें क्या लगता है, वो बारमैन वापस आएगा? डोंट नो, बैठिए. थैंक यू. वैसे तुम मेरे साथ उस बारमैन का इंतजार करना पसंद करोगे? हाँ. You're a very nice guy. तुम्हारी सिगार की खुशबू बहुत अच्छी है. वैसे मुझे सिगार की खुशबू पसंद नहीं, पर इसकी खुशबू कुछ अलग है. Well, इसकी खुशबू इसकी पत्तियों की वजह से, जो कि कोको फील्ड के बीच में उगाई जाती है. और तुम्हें पता है ना, रात को 2 से 4 के बीच में काटा जाता है. Oh. और इसकी मैच्योरिटी के लिए इसको 9 महीने तक ओक वुड के ड्रम में पैक करके रखा जाता है. Oh, really? Oh, वैसे ये सिगार स्पेशली क्यूबा से मेरे प्राइवेट जेट में लाई जाती है, और इसकी कीमत लगभग 30 से 35 हजार. हाँ, 35,000. आप ठीक तो है ना? आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे मिस. और देखो, मेरे बर्थडे की शाम कितनी शानदार है. आई वॉन्टेड टू एंजॉय सो मच. आई वॉन्टेड टू डांस, पार्टी. तुम क्या कर रहे हो? आपके लिए ड्रिंक बना रहा हूं. थैंक यू. और तुम्हारे लिए? ओह यस, हाँ. चीयर्स. चीयर्स. कौन सा है? मेरा? और क्या? Which floor? Third. So let's go now. Wait. Is this your room? Huh? Yeah. This one. And this is Mumtaz Suite Royal. Really? Yeah. और वहां से ताजमहल भी दिखता है. अच्छा. सुबह देखेंगे. Okay.
तुम बहुत अमीर हो ना? हाँ हाँ हूँ, क्यों? I can do anything for you. Really? Even I can do anything for you. अच्छा? हाय बेबी, तुम आज बहुत जल्दी उठ गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद घटने लगती है, ये बात तो तुम्हें पता हो जानी चाहिए थी। ओह बेबी, एक्चुअली मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए बस नीचे ताजी हवा खाने चली गई थी। देखा था मैंने तुम्हें ताजी हवा लेते हुए उस बार रूम के सोफा सेट पर उस लड़के के साथ। गुड चॉइस बेबी। आई एम रियली वेरी सॉरी बेबी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी दोबारा। ओके, मैंने बहुत पी ली थी, अब मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई स्वेयर मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन मैं तुम्हें कल फिर किसी और होटल में किसी और लड़के के साथ में किसी और की बाहों में मिनी स्कर्ट पहने हुए देखूंगा। यही तो काम है ना तुम्हारा। और तुम भी शराब के नशे में मुझसे मेरा नाम पूछोगे और मुझे ड्रिंक्स भी ऑफर करोगे। Damn it! How can I be so stupid? सामान छूट गया था क्या? तुम मतलब? मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। क्यों? मैंने सही किया ना? हाँ ठीक ही किया। मैं हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? किस चीज में? अ ट्रिप टू बेल्जियम। तुम्हें बेल्जियम पता है ना? हाँ, मेरी मौसी बेलगांव की है। बेलगांव? अरे स्टूपिड, बेलगांव नहीं, बेल्जियम। इट्स अ कंट्री। अच्छा, वहां तो मैं जाता रहता हूँ। अच्छा, तो इस बार मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग एक बड़ा सा ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे। और तुम्हें पता है मुझे जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। और आज की सुबह हम लोग बेड पे ही बिताएंगे। अच्छा, तुम उनमें से तो नहीं हो ना जो सारा दिन काम करता रहता है? डिपेंड करता है सीजन पे। दिस इज योर बेडरूम मैम। आयुष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें सब नीचे ढूंढ रहे हैं। प्लीज मैम, दो मिनट दीजिए, यहाँ पे कुछ छोटी सी गलतफहमी हुई है। खड़े हो जाओ अभी, मैं दो मिनट में सुनील को भेज रहा हूँ ऊपर सफाई करने के लिए। ओ गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा काम भी कर सकते हो। हेलो, या हाय राज, अलीशा हियर। या रिमेम्बर, हम लोग गोवा में एक बार में मिले थे। आपने कहा था आगरा आओ तो फोन करना। या दैट्स राइट अलीशा। ओ आई एम सो सॉरी, अब दिस इज माय नंबर। साला कमीना। हाय निशांत, या दिस इज अलीशा। चंडीगढ़ में हम लोग मिले थे अब ब्लू आईज लास्ट ईयर। तुमने अपनी ड्रिंक मेरे ड्रेस पे गिराई थी, रिमेम्बर? या दैट्स राइट अलीशा, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? ओह एनीवेज कांग्रेचुलेशंस। Sure. Bye. Hello, Mr. Malhotra. Alicia here. Hello, Mr. Sabarwal. Hi, Alicia here. single, still beautiful, still waiting. Okay. Yeah, sure. Bye. Hello, Mr. Singhania. Alicia here. Sala kamina. Hello, Mr. Kaushik. Hi, Alicia here. Hum log last year Delhi mein mile the, Hotel Meridian. Remember? Oh, I'm so sorry. Aap unke bete hain? Oh, grandson. फिर तो हम लोग एक ही एज के हुए। आप दिल्ली में हैं? मैं भी पास में ही हूँ। So, shall we meet tomorrow evening? Okay, bye. What the hell are you doing here? अरे रिसेप्शन से मुझे पता चला कि तुम दिल्ली की बस का स्केड्यूल पूछ रही थी। मैं तुम्हें हर बार और होटल में ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। मैं तो बस सॉरी बोलना चाहता था। ओके फाइन, बोल दिया ना सॉरी, नाउ गो, गुड बाय। पर वो मुझे कल मौका नहीं मिला, इसलिए मैं बस पकड़कर सीधे दिल्ली आ गया। बस पकड़ के? क्यों, तुम्हारा प्राइवेट जेट किधर गया?
मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ जो भी कुछ हुआ उसके लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दैट। फाइन, बोल दिया ना सॉरी, नाउ गो, गुड बाय। हम साथ में कहीं डिनर कर सकते हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारे साथ कोई डिनर नहीं करने वाली, सो तुम यहाँ से जाओ इसी वक्त। मुझे बुरा लगेगा कि तुम। आई डोंट केयर तुम्हें क्या लगेगा क्या नहीं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आई एम ऑन अ डेट नाउ, सो प्लीज गो अवे। आर यू फ्री टुमारो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है उस दिन वो मेरे साथ कौन था? मिस्टर कौशिक, अ रिच सिंगल बिजनेसमैन। 3 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी, ओनली 3 मंथ्स। वो मुझे बहुत चाहता था, उसने मुझे एंगेजमेंट रिंग तक दे दी थी, मेरी ये फेक स्माइल, होटल्स, बिल्स, स्मॉल स्कर्ट्स, ये फेक स्माइल वाली लाइफ खत्म हो जाती। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे जिंदगी भर किसी भी चीज की कमी नहीं होती, मेरी लाइफ सेट हो जाती। आई एम सॉरी टू। तुम्हें नहीं पता इस वक्त मैं अपने आप के लिए कितना सॉरी फील कर रही हूं, और अब मुझे फिर से सब कुछ नए ढंग से शुरू करना पड़ेगा, सो भगवान के लिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। कैन वी गो फॉर अ कप ऑफ कॉफी? गॉड, तुम यहाँ से सीधा जाओ और आगे राइट में मुड़ जाना, वहीं पे है खान मार्केट। स्ट्रेट एंड राइट। मिस्टर कौशिक। मिस अलीशा। यस। हाय। प्लेजर मीटिंग यू। सेम हियर। लेट्स गो। या श्योर। I love Italian food. This place is one of the best. What do you think? Yeah, it's really nice. Rock the spot, rock the spot. Rock the spot, rock the spot. Keep it hot, rock the block. Rock the spot, rock the spot. Keep it hot, rock the block. अलीशा, हाँ? वो जो आदमी वहां खड़ा है वो लगातार हमें देख रहा है, एंड आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। मैं तो उसे जानती तक नहीं। मैं जब यहाँ आया था तब वो तुम्हारे साथ ही था और अभी भी यही है। मुझे लगता है वो हमारा इंतजार कर रहा है। आई एम फीलिंग अनईजी, आई एम सॉरी। That's ridiculous, Mr. Kaushik. तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है ना? तुम मेरा भी खा लो, but I'm good. Sorry. Bye bye. Listen. तुम मुझे डिनर पे ले जाना चाहते थे ना? हाँ, मैंने वहाँ ना एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट देखा था। Oh no, मैं चाइनीज़ नहीं खाती। अच्छा, तो तुम जहाँ बोलो वहाँ चलते हैं। That's better. Come. तुम क्या लोगे? तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? फिश खाएं? Okay, I love fish. फिश में क्या अच्छा है? सर, यहाँ पर काकरा मछली है, काफी अच्छी है, फेमस है, यहाँ के तालाबों में पाई जाती है, और वो फिश डिश ऐसी है कि पूरी ता उम्र आप याद रखेंगे सर। अच्छा, ऑफ कोर्स, ले आइए फिर। सर और कुछ? सर हाँ, नो, थैंक यू सर। मैं 2 मिनट में आऊं?
ओके क्या हुआ? कुछ नहीं। देख क्या रहे हो, बॉटल खोलो ना। Yes, pour it. Thank you. Cheers. Cheers. हम थोड़ी देर में दूसरी बॉटल ऑर्डर करेंगे, ठीक है? एक में कुछ सुरूर नहीं आता। मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अगर सच बोलता तो तुम चली जाती। तुम्हें पता है मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं खाती हूँ। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये पसंद आने लगेगा, और जिस दिन मुझे ये पसंद आ गया उस दिन इसका टेस्ट भी अच्छा लगने लगेगा। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पे कितनी शांति और सुकून है ना? और साथ ही साथ कितनी खूबसूरत भी। यहाँ आकर मुझे एक अजीब सा एहसास होता है जो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगी। तो कैसे? कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पे पानी से पानी लिखना। तुम्हें पता है इसका हैंडल चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, और इसको इस होटल के लिए खास करके कर्नाटक से ऑर्डर किया जाता है। Isn't it amazing? मैं एक मिनट में आता हूँ। ओके। हेलो मनोज भाई, 10,000 डलवा दो ना। अबे कहाँ मरवा रहा है तू अपनी, साले इतने पैसों की जरूरत कहाँ पड़ गई तुझे? वो आकर बताता हूँ ना, जो कह रहा हूँ वो कर दो ना प्लीज। अरे बेटा तू अभी भी उस लौंडिया के पीछे लगा है ना? अरे भाभी की नजरों से देखो, भाभी की। भाभी? अरे भाभी तो तब ना जब वो तुझे अपना खसम माने। अरे मानेगी, वो भी मानेगी। अभी जो कह रहा हूँ वो कर दो ना प्लीज, एक छोटा सा काम तो का है। अरे चल करता हूँ, जब उखल में मुंह दे दिया तो अब मुसल से क्या डरना, ठीक है? चल भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे नींद आ रही है, तुम कौन से होटल में रुके हो? पास में ही एक होटल है। अच्छा वहाँ? That's great, पास में ही है ना? हाँ। तो जल्दी से जाओ और अपना सामान लेकर आओ, हम इसी होटल में रुकेंगे। यहाँ? Of course। क्यों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? No, कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's great।
Okay then, see you later. Hello, ma'am. Hello. Actually, I have booked a room. Under what name, madam? Mrs. Oberoi. Okay, ma'am. Excuse me. Ma'am? Actually, I'm in hurry, so can you do fast, please? Yes, yeah. Mr. Ayush. Yeah. Miss Alicia is waiting for you, room number 305. Yeah, thanks. Had your dinner, sir? Yeah, that was great. Sir, may I have your credit card, please? What? Credit card. For the billing purpose. Can I get my room key? Sure. Yes, ma'am. Sure. It's your room key, ma'am. Okay. Can you send the luggage in my room, please? Yes. So... Yeah, ma'am. I'm sorry. Okay. Yeah. Send credit card, please. Thank you, sir. Excuse me. My luggage is here. Better? Yeah. Ma'am, enjoy. Huh? Excuse me. This is my bag. I'm so sorry. Exactly same color ka bag mere paas bhi hai. Same color? Yeah. Exactly same. Oh, okay. I'm so sorry, ma'am. It's okay, no problem. शामिल हुआ कोई पहली बार सजदों का असर है वही रूह की पुकार तेरा है मिलना ख्वाब के जैसा सवालों के जवाब के जैसा मेरी ख्वाहिशों का दीदार भी तू माही तू दिल राही तू आशिकी की सच्ची गवाही सच्ची गवाही तू माही तुझसे ही जुड़ी है मेरी सारी मंजिलें तेरी ओर जाते मेरे सारे रास्ते हर सुबह तुझी से रात तुझसे रोशन मैं जी रहा हूँ बस तेरे ही वास्ते हो ना जिक्र फिकर का फिर कोई बाकी रहे ना फिर शिखर कोई मेरी हर खुशी का करार भी तू माही तू दिल राही तू आशिकी की सच्ची गवाही सच्ची गवाही तू माही सुनाम मेरा बस तेरी जुबान से बस तेरी करीबी चाहूं हर जहां में जीने की वजह जा तुझी से चाहूं तुझको ज्यादा अपनी जिंदगी से चाहूं तुझे मैं खुद से भी ज्यादा तेरे बिना हूं रूह से आधा मेरा मजहब मेरा ईमान भी तू माही तू दिल राही तू आशिकी की सच्ची गवाही Thank you.
कॉफी जल्दी खत्म करो, हमें शॉपिंग के लिए जाना है। वो गोल्डन वाला दिखाना। नो। ये दोनों ड्रेस। पैकेट या चोको फज देना। तुम नहीं लोगे? नहीं। क्यों? मैं नहीं खाता। ओके। You wait here, I'll just come back. This is for you. Huh? इसमें आगरा के लिए एसी बस की टिकट है। So goodbye. 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 Wait. Last 10 rupees. For last 10 seconds. Your 10 seconds are over.
सर वी हैव टू कॉल द मैनेजर्स। सर आपके होटल में, सर आपके होटल में बारमैन की अगर जॉब है तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एक्सक्यूज मी व्हाट्स द मैटर? सर आपके होटल में बारमैन, ड्राइवर, रूम सर्विस, कोई भी जॉब है, कुछ भी जॉब है सर, चलेगा सर। सॉरी वी हैव टू कॉल द पुलिस। एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या कोई मेरी मदद करेगा मेरी बैग उठाने में? श्योर मैम, आई एम जस्ट कॉलिंग टू वेटर। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे दोस्त है ना, इन्हें काफी खुशी होगी मेरी मदद करने में। क्यों? लास्ट टाइम काफी खुश नजर आ रहे थे तुम मेरी मदद करके। जी। लेट्स मूव। फ्लोर आ गया, चलें? हाँ, यस श्योर। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं you. सब संभालूंगा। वेट, आप क्या लेंगे? यू वेट हियर, आई विल बी बैक इन 5 मिनट। अलीशा, इतने दिनों से कहां थी आप? What happened to you? Are you okay, baby? I'll just get my plate, okay? Okay. Thank you. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अब तक यहां से गए क्यों नहीं? तुम यहां? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम अब तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम गलत समझ रही हो, मैं जा ही रहा था, मेरे पास होटल। तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों नहीं देते? Why don't you understand? प्लीज पहले शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। अपने दिमाग से ये प्यार का भूत उतार दो, समझे? मेरी जिंदगी में प्यार के अलावा और कई चीजें हैं, मुझे जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं, समझे तुम? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, कल मुझे एक औरत मिली और मैं जानती हूँ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हारे जैसे आशिक मैं स्कूल टाइम से देखती आ रही हूँ, समझे तुम? आप कुछ लेंगी? What? ब्रेकफास्ट में आपके लिए कुछ लाऊं? No, no, I'm okay. तुम यूं ही खड़े रहोगे? बैठो। What happened? क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? So sweet of you, but I'm not feeling hungry. Thank you. Yeah, nice, very beautiful. पूरा सपना देखा? नहीं, कुछ नहीं। ओके वेल, मैं सोच रही थी
कि तुम पे कौन सा रंग अच्छा लगेगा। ये नो नो, ये वाला नो 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 नो, हाँ यस, वेल मुझे लगता है तुम पर ब्लैक अच्छा लगेगा। हनी, हम वो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू एंड पर्पल कलर खरीद रहे हैं, ओके? ओके। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कलर लेकर आती हूँ, यू वेट हियर, ओके? ओके। राज? यस? मुझे वो पिंक वाली ड्रेस लाकर देना। वो पिंक ड्रेस? हाँ। ओह, इट्स ब्यूटीफुल, माय फेवरेट, जस्ट लेके आया। हनी, टेक इट, ये वाली शर्ट ट्राई करो। जी। Isn't it nice? Very nice. Okay, हनी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सब कपड़े फटाफट ट्राई करो। I'm wearing outside, okay? Okay. शॉपिंग हो रही है? हाँ, थोड़ी सी। ये मिसेज ओबराय हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कल, उन्होंने ही मेरी हेल्प करी थी। आह, सो वी हैव बिकम द सेम। मुझे जाना होगा। ओके। Do you have 10 seconds? Zip it up. Thank you. वैसे इस टी-शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। Thanks. Oh yeah. I have to go. Okay. Excuse me, honey. I'll be back in just 2 minutes. Okay? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? Raj, can you please get me some pastries? Why not? Why not? For you always, baby. Always for you. ओए। हाँ? एक घंटे बाद मेरे रूम में मिलना। And this is for sweet, sweet, sweetie. Oh, thank you, Raj. Always thank for you. Thank you so much. दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। चार दिन में मुझे इतना सब कुछ मिला, तुम्हें क्या मिला? चार शर्ट्स बस। देखो, दो जीन्स भी। That's it. हाँ, और हाँ, आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट किया, वो भी विद रूम सर्विस।
और साथ में पेस्ट्रीज भी थी। How can you be so stupid? वो actually हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं गए ना। वो तुम्हें अपने मतलब के लिए यूज कर रही है और तुम्हें भी इस बात का फायदा उठाना चाहिए। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार? किस बात का इंतजार? कि वो तुमसे शादी करेगी? Listen, जिसका जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। जो चाय खरीद लो, नए शूज, जीन्स, शर्ट्स, व्हाटएवर यू लाइक। वरना ऐसे रहने का क्या फायदा? सुनो, या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? मैं शाम तक फ्री हूँ। I'm sorry यार, एक्चुअली मैं एक पूल पार्टी में जा रही हूँ एंड आई लव पूल पार्टीज। और वैसे भी वहाँ पे काफी मोटे मुर्गे आते हैं, क्या पता मुझे भी कोई मिल जाए। उसकी 3 बार शादी हो चुकी है और हर बार उसने अपने डिवोर्स में काफी पैसा दे चुका है, तो फिर उसके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है मुझे देने के लिए। वैसे मेरी मानो तो तुम्हें भी उससे अच्छी कोई मिल सकती है। वैसे वो शादीशुदा है क्या? नहीं, डिवोर्सी है। किस्मत वाले हो। तुम वापस कब तक आओगी? पता नहीं। हम दोबारा मिलेंगे? जरूर, क्यों नहीं। वैसे अब तो हम लोग एक ही बिजनेस में हैं और पड़ोसी भी। क्यों, सही कहा ना। So, what's going on? Nothing, बस। Well, ये तुम्हारे लिए। क्या है? देख लो। मैं ड्रिंक नहीं करता। क्यों? Why? ये रईसों के शौक हैं। अब तुम मेरे साथ रह रहे हो तो मेरे स्टेटस के हिसाब से तुम्हें ये पीना पड़ेगा। समझे? देख क्या रहे हो, come on, start.
ऐसे खूबसूरत हसी कोई तोहफा, दिल की लगी भी मिटने लगी है तुमसे ये पाके रहनुमा, तुम हो हकीकत मेरे ख्वाबों की जाने जा रहा, तुम्हें ही पाना है बस पाना जाने जा रहा, दिल मेरा तेरे लिए है दीवाना, लो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है यार, ऐसे नहीं चलता है। अरे यार उसके पैसे हैं, वो जैसे चाहेगी वैसे खर्च करेगी ना। तो क्या तुम स्मार्ट हो, यंग हो, हैंडसम हो, और तुम्हारे अंदर एक बात है और तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें लगता है मेरे अंदर वो बात है? छोड़ो, तुम ऐसे ही मेरा दिल बहलाने के लिए बोल रही हूँ ना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे अंदर वैसी कोई भी बात नहीं है जैसी तुम बोल रही हो। ऐसा नहीं है यार। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन है जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है, और ये चीज लुक से ज्यादा मैटर करती है। अच्छा चलो, अब दिखाओ मुझे कि तुम किसी को कैसे सीड्यूस करोगे। कैसे सीड्यूस करके दिखाऊं? मतलब तुमने कभी स्कूल या कॉलेज में किसी लड़की पे कुछ तो ट्राई किया होगा ना। सो ट्राई। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे यार कुछ तो ट्राई करो, शो मी समथिंग। अच्छा चलो, तुम मुझे सीड्यूस करके दिखाओ। अरे नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, कुछ तो ट्राई करो। चलो मेरी तरफ देखो और ट्राई करो। करो। अरे मैं अभी शुरू करने वाला था। ओके, आई एम सॉरी। अरे इतना आसान है तो तुम ही करके दिखा दो। चलो दिखाओ। ओके ओके। Slow down, jah. You're running way too fast, running way too fast. Slow down, jah. Actually, मुझे. You're running way too fast, running way too fast. मैं चाहती हूँ कि. तुम चाहती क्या हो, बोलो। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? यही तो वो बात है जो किसी को भी पागल कर सकती है। क्या बात? अपनी बात को पूरी ना करना, सामने वाले को ऐसा फील करवाओ कि जो तुम बोलना चाहते हो वो बहुत पेनफुल है इसलिए तुम बोल नहीं पा रहे हो। अपनी बात को पूरी ना करना बहुत असरदार साबित होता है, इसका उस पे 101% असर होगा। एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स, यू शुड शो देम। ओह शिट, ये क्या? मेरे को जाना है, उसकी मीटिंग खत्म होने वाली है, वो आ रही है। अलार्म उसने लगाया है? मेरे को अभी जाना है यार, प्लीज प्लीज। आई कांट बिलीव दिस, तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। अरे मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ यार, मैं बाद में कर दूंगा सब कुछ, सब सही हो जाएगा यार। तुम छोड़ो, मुझे अच्छी तरह से पता है इसका क्या करना है। लिसन लिसन लिसन।
अच्छा उसके साइड में एक बटन है जिससे उसका अलार्म बंद हो जाता है। लो ये लो, तुम्हारी लड़कियों की क्लास खत्म हो चुकी है, ओके जाओ। ओह प्लीज कम इन, ओके कम कम। ये कौन? मेकअप। पर आपने तो सुबह मेकअप किया था। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। चलो चलो काम शुरू करो। हनी कम ऑन, ओहो हनी काम डाउन। हनी तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि तुम बाकी रईसों की तरह अच्छे दिखो। मैं रईस नहीं हूँ, मैं बस एक रईस के साथ हूँ। लोग अच्छा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। अब बस यही तो बचा है, वो शौक भी पूरा कर लीजिए। There was nothing। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए दर्द भी सहना पड़ता है। आयुष, आयुष अफो, अब बस भी करो। तुम ऐसे चुप रहकर मुझे परेशान मत करो। एक्चुअली मुझे मैं सोच रहा था कि हाँ क्या तुम क्या क्या चाहते हो तुम? हाँ आयुष, तुम्हारी घड़ी? उठो 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 उठो, चलो मेरे साथ आओ, कम ऑन। Come on, honey. Oh, wow. Nice watches. Please, come. Yeah. I want to buy a diamond watch. ये 225, 225,000. Oh, 250,000. ये 175. Okay. और ये वाली जाएगी आपको 2 lakhs की. And what about this? 350,000. Okay. Nice. Isn't it? Yeah. ये लो, पहनो तो इसे. Come on. Honey, it's nice, na? Huh? Let me help you. Oh, wow. Nice, na? You like it? Hey, how are you all? Fine. Okay, जो वॉच मैंने खरीदी है उसका बिल घर पे भिजवा देना। अरे मैडम क्या बात करती हो, आप भी ना। Thank you, see ya. तुम्हें पता है इसका हैंडल चंदन की लकड़ी से बनाया हुआ है और ये सिर्फ इस होटल के लिए कर्नाटका से ऑर्डर करके लाया जाता है। Isn't it amazing? It's beautiful, sweetheart. Of course. हम अपना घर भी चंदन की लकड़ी से बनवाएंगे। फिर तो उसमें सिर्फ सांप ही रहा करेंगे। I just can't believe it. Excuse me. Sure. Great. I must a great thing.
Excuse me, do you have light? Oh, sure. Thanks. You are welcome. क्या तुम एक लाइटर नहीं खरीद सकते? तुम किसी से चीज मांगो, मुझे पसंद नहीं. सॉरी. अब मान भी जाओ. इट्स ओके डार्लिंग. तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास भी कुछ स्पेशल होना चाहिए? घड़ी जैसी नहीं, कुछ खास लकड़ी का बना हुआ घर जैसा. हाँ हाँ, क्यों नहीं. तुम्हें पता है इसका हैंडल स्पेशली चंदन की लकड़ी से बनवाया जाता है. ओ. और हाँ, ये स्पेशली ऑर्डर देके बनवाया जाता है. और ये सिर्फ इस होटल के लिए कर्नाटका से मंगवाया जाता है. Excuse me. Yes. Washroom. Oh, sure. Siddharth, cheers. Cheers. For the best health and prosperity. Hello. हेलो सर, दिस इज सतेंद्र फ्रॉम रूम सर्विस. सर सर, आपने जो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है सर, उसमें आप कौन सा जूस पीना पसंद करेंगे? ऑरेंज जूस या फिर ग्रेप जूस? ऑरेंज. सर आप किसी खास जगह के ऑरेंज जूस को पीना पसंद करेंगे सर? व्हाट? कानपुर, नागपुर या फिर इलाहाबाद? इलाहाबाद. एक्सीलेंट चॉइस सर. सर वैसे हमारे पास एप्पल जूसेस की भी काफी वैरायटीज हैं. शिमला के कुछ खास चुने हुए एप्पल्स का जूस जो हमारे यहाँ स्पेशली डिमांड में है सर, अगर आप कहें तो वो भी आपको सुबह सर्व किया जाए. थैंक यू वेरी मच. हाँ सर. कम ऑन स्वीटहार्ट. हेलो सर, दिस इज सतेंद्र अगेन सर फ्रॉम द रूम सर्विस. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर. सर आप सुबह ब्रेकफास्ट कैसा पसंद करेंगे? ब्रेकफास्ट में एग्स कैसे पसंद करेंगे सर? हाफ फ्राइड, बॉइल्ड, सॉफ्ट कुक्ड, हार्ड कुक्ड? सॉफ्ट कुक्ड. एक्सीलेंट चॉइस सर. और कुछ सर? नो. Are you sure, sir? Yes. Sir, हमारे पास डॉक्टर शेख की स्पेशल चाय है जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और ये बढ़ती उम्र वालों के लिए काफी हेल्पफुल है उनकी मैरिज लाइफ के लिए सर. तुम रूम सर्विस से बोल रहे हो ना? नहीं, आई मीन हाँ सर, मैं रूम सर्विस से ही हूँ सर. कोई मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? मजाक नहीं सर, ये मजाक नहीं है सर. मैं सीरियसली रूम सर्विस से ही हूँ सर. अरे Nonsense. Very irritating. क्या करें. अब क्या है? अरे सर, आपको बुजुर्गों के स्पेशल खाने के बारे में बताया गया है? नहीं. अरे सर, बुजुर्गों का स्पेशल खाना जो है वो मशीनों से पहले ही चबा दिया जाता है, तो उससे आपको चबाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप खाने का पूरा मजा ले सकते हैं. अरे मेरे दांत बहुत तगड़े हैं, मैं कुछ भी चबा सकता हूँ. सर आपको उबली हुई सब्जियां और उबले हुए फ्रूट्स के बारे में बताया गया है? हेलो हेलो. कहाँ गए थे? बाथरूम. खाना खाते खाते तुम दो बार बाथरूम जा चुके हो और वो भी इस उम्र में? नहीं, आई एम सॉरी. तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो बता दो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तुम मुझे बता सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है.
तुम्हारी लाइफ में कोई और है नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? मुझे इन सब बातों से जलन वलन नहीं होती, मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ। मैं क्या आयुष? मैं कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि, मैं सोच रहा था कि, बंद करो ये नाटक। तुम क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं 17-18 साल की लड़की हूँ जिसे तुम जैसे चाहो बेवकूफ बना सकते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकी में यहाँ से बाहर फिकवा सकती हूँ। अगर तुम्हें ये सब ऐशो आराम चाहिए तो मेरी तरफ थोड़ा और ध्यान देना सीखो। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव। ओह हनी, अब गुस्सा थूक भी दो। दिस इज योर गिफ्ट, डू यू लाइक इट? आई लव यू हनी, डू यू लव मी? चलिए क्या हीरो, तुमने तो लंबी छलांग मार दी। हाँ? नई गाड़ी, नए कपड़े, बढ़िया है। नहीं, वो तो ऐसे ही, मैं तो मना कर रहा था। मना कर रहे थे? पागल हो क्या? ऐसी चीजों के लिए कोई मना थोड़ी करता है। एनीवेज, छोड़ो ये सब बातों को। आज की रात हम लोग लंबे ड्राइव पे जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। अच्छा, वो आ रही है, बाय। Have you ordered something? नहीं, बुलाया है मैंने। Okay. गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सही कह रही थी, हमें जल्दी सोना चाहिए। और तुमने अच्छा भी किया आज का डिनर कैंसिल करवा के। मैं काफी हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। सच में? सचमुच। लेकिन एक बात पूछूं मैं? तुम सचमुच डिनर नहीं करना चाहती थी आज? नहीं। कमाल है, आई एम सरप्राइज्ड। पहली बार तुमने खाने को मना किया है। देखो,
कल की कंपनी की मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो रही है तो हमारे शेयर्स काफी ऊपर चले जाएंगे। अच्छा कैंडी लो। नो थैंक्स। खा लो। मन नहीं है। अच्छा हाँ ये बताओ तुम कहाँ से हो? आई मीन टू से यू बिलोंग टू विच प्लेस? कहाँ से? शिमला। शिमला, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल प्लेस, लवली प्लेस। वहाँ तो पूरे साल बारिश होती है, ठंड पड़ती है और स्नोफॉल भी होती है ना। हाँ। माय गॉड क्या नजारा होता होगा। तुम यकीन नहीं करोगे। बहुत अरसे से, बहुत जमाने से मैंने स्नोफॉलिंग नहीं देखी है। मैं तो आई वुड लव टू गो एंड वॉच इट। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं? लुक एट माई फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मम्मी है, डैडी है, एक बड़ा भाई है और दो छोटे भाई हैं, तीन बहनें हैं और छोटी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। और हाँ एक पुराना कुत्ता भी है जो बहुत 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 प्यारा है। रिलैक्स। कहाँ रह गई यार? आएगी भी कि नहीं आएगी? हे सॉरी 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 आई एम लेट। अब चलो चलते हैं। अरे रे गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे रोको तो सही। अरे हुआ क्या है? रोको ना। अच्छा। छोटू खाने में क्या क्या मिलेगा? मैडम जो बोलोगे वही मिलेगा। फाइव स्टार हो गया जैसे, जो बोलेंगे वो मिलेगा। सर एक बात बताओ, आपके फाइव स्टार में छाछ और लस्सी मिलती है क्या? नहीं। यहाँ मिलती है। और आपके फाइव स्टार में देसी मुर्गा मिलता है क्या? नहीं। यहाँ मिलता है। और आपके फाइव स्टार में वो देसी दारू मिलती है क्या? नहीं। यहाँ मिलती है, इसलिए ऑर्डर बताइए, दिमाग मत खाइए। अच्छा अच्छा छोटू सुन, दो चिकन आठ तंदूरी और दो जगाधरी नंबर वन फटाफट लेकर आ। अभी लाया मैडम। ये जगाधरी नंबर वन क्या है? बियर, मस्त वाली। तुमने तो हमेशा वो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन पी होगी, आज थोड़ी देसी हो जाए। क्यों आया ना मजा देसी में? चल तुझे दुनिया की सैर कराऊं। गाड़ी रोको ना। अब क्या हो गया? रोको ना। अरे हुआ क्या? रोको ना प्लीज। अरे ओए वहीं रुको, आगे मत आना। अरे तुम यहाँ क्या कर रही थी? डर गया था मैं यार, कुछ बता के तो जाया करो। इंसान बियर पीने के बाद झाड़ियों में क्यों जाता है? अच्छा सुनो, दो मिनट दो ना प्लीज प्लीज। जाओ। अरे यार तुम उधर जाओ यार प्लीज। क्या मुसीबत है यार? शिट। Thank you.
ये जगह कितनी खूबसूरत है। आयुष, रूम में मेरी बुक रखी है, प्लीज जा कर ले आओ। या अलीशा, तुम यहाँ? लास्ट नाइट आई एंजॉयड अ लॉट। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी आयुष। मैं भी। फिर कब चलोगी? मैं जा रही हूँ आयुष। मैं बस एक बार तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता है मैं सोना नहीं चाहती थी, मैं जागना चाहती थी सिर्फ तुम्हारे साथ पूरी रात। अलीशा, सब ठीक है ना? मैं जा रही हूँ आयुष, मैं एक आखिरी बार तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। कहाँ? न्यूजीलैंड राज के साथ, और उसके बाद बेल्जियम। वापस कब आओगी? मैं वापस नहीं आऊंगी आयुष। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं भी। गुड बाय। शिपमेंट भेज दिया मैंने, कल मिल जाएगा आपको। हेलो मैम। हाय। आउट ऑफ इंडिया चले गए, आप जल्द से रूम चेकआउट करा दीजिए। थैंक यू। व्हाट? यहाँ क्या कर रही हो? वो कमीने ने मुझे डंप कर दिया। क्या? क्यों? उसने मुझे बिना बताए सब कुछ लेके चला गया। कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया?
तो तुम्हें क्या लगता है और क्या हो सकता है? I can't believe this. How can I be so stupid? और मेरे पास अभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम के अलावा और कुछ भी नहीं है. What am I gonna do now? देखो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? This is for you, ma'am. ये क्या है? ये आपके रूम का की कार्ड. आपके लिए इस होटल में रूम नंबर 421 में 1 वीक की बुकिंग की गई है. थैंक यू मैम. आयुष, are you okay? Yeah, I'm good. तुम थोड़े से नर्वस लग रहे हो. नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है. Okay, well, तुम ड्रिंक में क्या लोगे? Waiter, 2 scotch. आयुष, तुम्हारी घड़ी? मैंने बेच दी. मजाक मत करो. सच बताओ. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बेच दी. मैं सोचती थी कि तुम सबसे अलग हो, दूसरों की तरह नहीं हो, लेकिन तुम तो उनसे भी बढ़कर निकले. पता नहीं मुझे क्या हो गया है. मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं थे. ये तुम्हारे लिए. Oh, wow. It's beautiful. मैं गलत नहीं थी, तुम सच में अलग हो. तुम्हारे पास सिर्फ वो घड़ी थी और तुमने वो भी बेच दी सिर्फ मेरे लिए. Oh, honey. I love you. ये लो, अब तुम्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी. Thank you.
नमस्ते. Hello. जी नमस्ते. हाय. हेलो. हाउ आर यू? आई एम फाइन. ही इज आयुष. हेलो. हेलो. शी इज माय वाइफ हिमानी. He is Mr. Reja. Hi. Hello. And his Hi. Girlfriend. yeah. Very nice. So please, you enjoy the party. Yeah, excuse sure. me. मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक्स लेके आऊँ? Oh, so nice of Yani, please. excuse him. He's so cute, you know. yeah, ma'am. Can you do me a favor? हाँ, बोलो. Everything is fine? Yeah, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है. ठीक है. अरे गुप्ता जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया. और सुनाइए. बस बस सब ठीक है. बैठिए बैठिए. हेलो. जी आप ही बैठिए. जानू, आई थिंक आई शुड रेस्ट. ओके, टेक रेस्ट. I'm going to meet my friends. Ah, go enjoy your party. Vito, Vito. Thank you. You're welcome. ऐसी parties में drinks तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. सही कहा तुमने. वैसे तुम party में कब आई? अभी 10 minutes हुआ. अकेले? फिलहाल तो अकेले ही हूँ. और तुम? है एक बुढ़ा. Cheers to us. Cheers. Well, I'm Janvi. Alicia here. Okay. Oh my God. क्या हुआ? आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है. ऐसा क्या हो गया? कुंवर गजेंद्र सिंह, वो उधर. कौन है वो? विजयगढ़ सल्तनत के मालिक, अब बिलियनेयर, जीटी ग्रुप के ओनर हैं वो. अरबों खरबों की संपत्ति है इनके पास. पर बेचारे कब से ऐसे दुखी हैं. 2 साल पहले इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तब से ऐसे अकेले अकेले घूमते हैं. मैं चलती हूँ, मुझे इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिल सकता. ऑलराइट. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज्ड. हे. तुम्हारी तरफ देख के स्माइल दे रही है. हाँ, देख रही है. तुमसे शादी करने के सपने देख रही होगी.
तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मेरी फ्रेंड है जानवी और ये है कुंवर कुंवर गजेंद्र सिंह, am I right? आप मेरे बारे में जानती हैं? क्यों नहीं, लेकिन जो आपको एक बार देख ले वो कभी आपको भूल नहीं सकता। वैसे आप अभी अभी पार्टी में आए हैं और ज्यादा देर रुकने का इरादा भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको देख के हमें किसी अपने की याद आती है, रानी चित्रलेखा की। माफ कीजिएगा आरुषि जी, आप अलीशा जो भी है, इट्स ओके, शायद हम फिर कभी मिल सके। शायद हम भी फिर कभी मिल सके। हमारे पास उनकी एक बहुत बड़ी पेंटिंग है जो कि हमने अपने महल में सजा रखी है। हम चाहेंगे कि कभी आप आए उसे देखने के लिए। आप दोनों बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। ओके। भगवान को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने हमारी चित्रलेखा हमसे छीन ली। खैर, समय के साथ साथ गहरे से गहरा जख्म भी भर जाता है। मिसेस ओबेरॉय, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। ओके। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट कम। यस श्योर। आखिरकार तुम भी उन बाकी मर्दों की तरह ही निकले। पिछले एक घंटे से मैं तुम्हें एक लड़की से दूसरी लड़की बदलते हुए देख रही हूँ। आखिर कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है, एक छोटा सा गिफ्ट मेरे हाथ में थमाकर तुम मुझे जैसे चाहे बेवकूफ बना सकते हो? I'm sorry, Mrs. Oberoi. I don't need your sorry. तुमने मेरे दोस्तों को कहा था कि तुम उनके लिए ड्रिंक लेने जा रहे हो, तो जाओ उनके लिए ड्रिंक लेकर आओ। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। सॉरी, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता आपका। क्यों नहीं कर सकते? मुझे इस लड़की के साथ कुछ घंटे बिताने हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम क्या बोल रहे हो? मैंने किसी को मदद करने का वायदा किया है और उसके लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर तुम उस लड़की के साथ गए तो आज से मेरे और तुम्हारे बीच सब खत्म। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, मैं आपकी कार पार्क करके रिसेप्शन पे कीज छोड़ दूंगा, अगर आप बोले तो। क्या मैं तुम्हें कुछ भी करके रोक नहीं सकती? हाँ नहीं, बंद करो ये तुम्हारा अच्छा होने का नाटक, मुझसे और सहन नहीं होता। तुम्हारे जैसे इंसान को तो कोई नहीं खरीद सकता, मैं भी नहीं। मैं ठीक हूं। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। थैंक यू मिसेस ओबेरॉय, बात समझने के लिए। मेरे पास और कोई चारा है क्या? नहीं। आयुष, यू कैन कीप द कार। यू टीज आउट दिस इडियट। I'm sorry, वो हमारी मदर इन लॉ थी। चित्रलेखा के जाने के बाद से हम किसी भी लड़की से बात करते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, बेचारी काफी सदमे में लग रही थी। लेकिन हमारी भी खुद की कोई जिंदगी है, हम भी खुल के जीना चाहते हैं। आखिर कब तक यादों के सहारे जीते रहेंगे? हाँ, और आपकी उम्र ही क्या हुई है, पूरी उम्र बाकी है आपकी, और अकेले जिंदगी काटना हम सफर भी चाहिए होता है ना। आप ठीक कह रही हैं। यप।
गुड इवनिंग मिस्टर राठी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अलीशा. देखा, मुझे तुम्हारा नाम अब तक याद है. सो आर यू अलोन? जैसा तुम देख रही हो. तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? बस चेक्स पर साइन कर रहा हूं दूसरों के लिए. इसके सिवा और मेरे पास दूसरा कोई काम भी नहीं है. अच्छा अलीशा, तुम बताओ क्या कर रही हो आजकल? प्यार. मैं प्यार करना चाहती हूँ मिस्टर राठी. I'm sorry, मिस्टर राठी. I'm really very sorry. आयुष, ये कोई कुंवर बुवर नहीं है, ये एक वेटर है. आयुष, क्या कर रहे हो? What? क्या हुआ? ये कौन है? ये कुंवर है. और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ. ये कोई कुंवर वुवर नहीं है. What? You are not कुंवर? I'll see you. तुमने बड़ा टाइम लिया समझने में. मुझसे जो हो सकता था मैंने किया. चले. अलीशा, चलने से पहले मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं. क्या? अलीशा, मेरे बारे में तुम सब कुछ जानती हो. एक जॉब थी, थैंक्स टू बोथ ऑफ अस चली गई. अलीशा, तुम आज तक बहुत ऐशो आराम से जियो. मैं शायद वो सब नहीं दे सकता. तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब थे, मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा. लेकिन छोटे छोटे ख्वाब जो हैं वो पूरे कर सकता हूँ. मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा. अलीशा, एक चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, वो है प्यार. वो प्यार जब मैंने तुम्हें बार काउंटर में पहली बार देखा था ना, वो प्यार जिसके लिए मैं आगरा से दिल्ली तक आ गया. अलीशा, वो प्यार जिसके लिए मैंने ये सब किया. अलीशा, वो प्यार जिसके सहारे मैं जिंदगी बिता सकता हूं. अलीशा, लविंग यू कैन नेवर बी वन टाइम थिंग फॉर मी, बिकॉज आई लव यू व्हेनेवर आई सी यू. हर आदमी जिंदगी में एक बार प्यार करता है. मैं बार बार करता हूं, हर दिन करता हूं, हर पल करता हूं, सिर्फ तुमसे. मैं चाहती हूं कि क्या तुम मुझे किस करोगे?
मुझसे चला दे, बस में नहीं है अब दिल ये मेरा, करके रहेगा प्यार तुझसे, तेरे साथ अपने को रात बितानी है, तेरे प्यार में ये कहानी सुलझानी है। Baby.